नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी इंग्लिश की क्लास में। आज बेटा हम अपनी इंग्लिश क्लास में लेसन नंबर 4 क्लाउडी मॉर्निंग एंड हेस्टैग से बुक वर्क करेंगे। सो आई बिलीव आप सभी की जो स्टडीज़ है वो बहुत ही अच्छी चल रही हैं। आप सभी अपना रेगुलरली काम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं एंड आई होप आप सभी अपनी वीडियोज़ को टाइमली देख रहे हैं। बेटा वीडियोज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है कि वीडियो देखने से आपको जो चैप्टर है उसमें हमने क्या करवाया है उसके बारे में समझ में आता है। तो चलिए आज हम लेसन नंबर 4 क्लाउडी मॉर्निंग एंड द हेस्टैग से बुक वर्क करते हैं। आज जो आपका होमवर्क है उसके अंदर आपने अपने जो वर्ड मीनिंग्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको रिवाइज करना है फॉर लेसन नंबर 4 क्लाउडी मॉर्निंग एंड द हेस्टैग। और पेज नंबर 28 के ऊपर जो हमारी एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट करेंगे। सो बेटा जंबल वर्ड का जो गेम है वो आप सभी ने खेला होगा और आप सभी को पता है कि जंबल वर्ड्स को आप कैसे अरेंज करते हैं। सो यहाँ पर हम वही करेंगे, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जो आपकी जो टेक्स्ट है जो हमने चैप्टर में पढ़े उन्हीं वर्ड्स में से यहाँ पे कुछ वर्ड्स को जंबल किया गया है। यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ड, आपको जो वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है कि क्या वर्ड वहाँ पर है एंड राइट देयर मीनिंग, और उसके बाद आपको वहाँ पर उसका मीनिंग भी लिखना है। हिंट, सी इज यूजुअली फॉलोड बाय ए वोवल। हिंट दे रहे हैं कि जो सी है वो हमेशा ही एक वोवल के द्वारा फॉलो किया जाएगा। टू वर्ड्स हेयर अबाउट डबल लेटर्स, और दो जो वर्ड्स हैं उनके अंदर डबल लेटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप अपनी बुक और पेंसिल लेकर बैठेंगे। अगर आपने बुक और पेंसिल नहीं ली है तो अभी आप ले लेंगे, इस वीडियो को पॉज कर देंगे। सो आई बिलीव अब आप सभी अपनी जो बुक और पेंसिल है वो लेकर साथ में बैठे हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड हमारा है इसमें है ACIGMLA। तो ये हमारे जंबल्ड लेटर्स हैं, तो इन्हीं से आपने एक वर्ड बनाना है। सो ये जो वर्ड होगा वो हमारा स्टार्ट होगा M से। तो क्या हमने चैप्टर के दौरान कोई ऐसा वर्ड पढ़ा था जो हमारा M से स्टार्ट होता हो और ये सारे लेटर्स उनके अंदर आते हों? तो ट्राई कीजिएगा, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। आई बिलीव आप सभी को ये वर्ड मिल गया होगा। तो ये वर्ड क्या है हमारा? यस, मैजिकल। क्या वर्ड है ये? मैजिकल। तो अब आप डिक्शनरी की सहायता से मैजिकल जो वर्ड है उसका मीनिंग ढूंढेंगे और यहाँ पर उसका मीनिंग आप लिखेंगे। सेकंड है BCEJOST, और ये जो हमारा वर्ड है वो स्टार्ट होगा O से। आपके पास वही 5 सेकेंड्स हैं। सो आई गेस आप सभी को ये वर्ड मिल गया होगा। ये वर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। थर्ड जो वर्ड हमारा है EDICDDE से ये बनेगा। सो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा होगा D। सो क्या वर्ड है ये? अगेन यू आर गेटिंग द 5 सेकेंड्स। सो आई होप आप सभी को ये वर्ड मिल गया होगा। ये वर्ड है हमारा डिसाइडेड। डिसाइडेड। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो हमारा जंबल लेटर्स है EEIRSS। सो इससे हमारा क्या वर्ड बनेगा? जल्दी से ढूंढिए। आई बिलीव आप सभी को मिल गया होगा। दिस इज सीरीज
एस ई आर आई ई एस सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जंबल वर्ड्स लेटर्स हैं इसके अंदर फिफ्थ के अंदर जी डबल ई आर ए डी और ये हमारा वर्ड स्टार्ट होगा ए से। अगेन यू आर गेटिंग द 5 seconds। सो ये हमारा जो वर्ड है ये है एग्रीड, ए जी आर डबल ई डी एग्रीड। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो समय है ये कम मिल पा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना जो वर्ड है उसको गेस कर सकते हैं। सिक्स्थ है जंबल लेटर्स हैं एच ई डी ए एस, एच ई डी ए एस और ये हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट होगा एस से। सो सिक्स हमारा जो वर्ड बनेगा वो बनेगा शेड, एस एच ए डी ई शेड। इसके बाद बेटा हमारा सेवन्थ है, जो सेवन्थ हमारा जंबल लेटर्स है वो है आई एल आई एम एस आर ए एल वाई और इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो है हमारा एस। चलिए बनाइए इसको। सो आई बिलीव आप सभी ने गेस किया होगा इसको। यस ये हमारा वर्ड है सिमिलरली, एस आई एम आई एल ए आर एल वाई, एस आई एम आई एल ए आर एल वाई सिमिलरली। एट है जंबल लेटर्स एन एल ई बी यू ई आई वी ए बी एल ई और ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है यू से। चलिए फाइंड आउट कीजिए क्या है ये और इसका मीनिंग होता है अविश्वसनीय। सो अब आप ट्राई कीजिए क्या वर्ड हो सकता है ये। आई बिलीव आप सभी ने इस वर्ड को गेस कर लिया होगा। दिस वर्ड इज अनबिलीवेबल, यू एन बी ई एल आई ई वी ए बी एल ई अनबिलीवेबल। इसके बाद नाइन्थ जो हमारा वर्ड है इसमें जंबल लेटर्स है ओ आई आर यू टी टी एस और ये जो हमारा वर्ड है ये स्टार्ट होगा टी से। जो लोग कहीं पर घूमने जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आई बिलीव आपने सभी ने नाइन्थ वर्ड को गैस कर लिया होगा। नाइन्थ वर्ड हमारा है टूरिस्ट, टी ओ यू आर आई एस टी, टी ओ यू आर आई एस टी टूरिस्ट। टेंथ हमारा जो वर्ड है इसमें जंबल लेटर्स हैं पी ई आर पी ए आई सी ए टी ई डी और ये हमारा जो वर्ड है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है ए से। चलिए फाइंड आउट कीजिए। सो आई बिलीव आप सभी ने इस वर्ड को फाइंड आउट कर लिया होगा। दिस वर्ड इज एप्रिशिएटेड, ए डबल पी आर ई सी आई ए टी ई डी एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट है 11th, यू ई एच एस आर डी, यू ई एच एस आर डी
क्या वर्ड बनेगा इससे? यस, इससे हमारा वर्ड बनेगा रस्ट, RUSHED, रस्ट। चलिए 12th देखते हैं हम, URSNUDED, और ये हमारा जो वर्ड है ये हमारा स्टार्ट होगा एस लेटर से। क्या वर्ड होगा ये? सराउंडेड। तो ये हमारा वर्ड क्या है? सराउंडेड। सो बेटा आप इन सभी वर्ड्स को लिखेंगे, इनकी जो स्पेलिंग्स हैं यदि आप करेक्ट मैच नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी बुक के अंदर सारे वर्ड्स आए हुए हैं, तो वहाँ से आप स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे। वर्ड्स को लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी डिक्शनरी लेनी है और डिक्शनरी के अंदर से इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज बी जो हमारी है, सेलेक्ट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए में जहाँ पे हमने ये 12 वर्ड्स फाइंड आउट किए हैं, इनमें से आपने कोई भी 5 वर्ड्स लेने हैं एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उनके ऊपर आपने अपने खुद के सेंटेंसेस वहाँ पर बनाने हैं और आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद जो हमारी एक्टिविटी सी है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द साइलेंट वर्ड मोनोक्रोम। सो मोनोक्रोम जो है इससे आपने जो जितने भी ज़्यादा आप वर्ड्स बना सकते हैं वो बनाने हैं, तो लेटर्स आप इसमें से उठाएंगे, जो लेटर्स हैं उन्हीं का आप यूज़ करेंगे और कोई भी वर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर है क्रोम और मून, यहाँ पर 2 वर्ड्स बनाए गए हैं, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर और भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे आप मोनो बना सकते हैं या फिर आपको कोई भी और वर्ड अगर यहाँ पर आपको लगता है कि बन रहा है तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप वर्ड्स के बारे में अनश्योर हैं तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, और जो आप वर्ड्स बनाएंगे उनके मीनिंग्स अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डिक्शनरी की सहायता से उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करेंगे। सो बेटा आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।